हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 3 यूनिट 5 यानी डिवीजन चैप्टर का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। कंप्लीट द टेबल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। डिवीजन फैक्ट है या डिविडेंड, दोस्तों इसको जो है डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिविजर बोलते हैं, और जो आंसर आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये तो दिया हुआ दोस्तों, सेकेंड से शुरू करते हैं डिविजन फैक्ट। उसके बाद बोलते हैं यहाँ डिविडेंड, DIVIDEND, उसके बाद यहाँ डिविजर, DIVISOR, यहाँ क्वेश्चन, QUOTIENT। तो डिविजन फैक्ट पहला तो दिया हुआ दोस्तों, बी से बताता हूँ। ए नंबर दे 21 डिवाइड ऑफ, चलिए ए भी बता ही देता हूँ, 7। तो आंसर आएगा कितना, 3। डिविडेंड 21, डिविजर 7, क्वेश्चन 3। बी नंबर में 18 डिवाइड ऑफ 2, तो आंसर आएगा 9। डिविडेंड 18, डिविजर 2, क्वेश्चन 9। अगला है दोस्तों सी नंबर, 35 डिवाइड ऑफ 5 है दोस्तों, तो हो जाएगा कितना, 7। तो डिविडेंड 35, डिविजर 5 है और क्वेश्चन 7। नेक्स्ट है डी नंबर, 64 डिवाइड ऑफ 8 है ना, 8 जा 64, तो डिविडेंड हो जाएगा 64, डिविडेंड 64, डिविजर E8 है और क्वेश्चन E8 है ना। उसके बाद ई नंबर, 50 डिवाइड ऑफ 5, तो 10 जा हो जाएगा दोस्तों, डिविडेंड 50, डिविजर 5 और दोस्तों क्या है, क्वेश्चन 10। अगला है ई के बाद एफ नंबर, 27 27 डिवाइड ऑफ 3 नहीं, तो डिवाइड करेंगे तो ये होगा 9, डिविडेंड 27, डिविजर 3 और क्वेश्चन 9। उसके बाद टू नंबर में, मेक द डिविजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। दोस्तों डिविडेंड दिया हुआ है कितना, ए नंबर का 36, डिविजर 9 और क्वेश्चन 4, तो 36 डिवाइड ऑफ 9 इंटू 4, बी नंबर बता रहा हूँ। दोस्तों डिविडेंड 30, डिविजर 6 और क्वेश्चन कितना हो जाएगा, तो 6 5 जा 30, इस बॉक्स में 5 भरा जाएगा और डिविजन जो फैक्ट निकलेगा क्या हो जाएगा, 30 डिवाइड ऑफ 6 इक्वल टू 5। ये डिविजन फैक्ट है और ये यहाँ 5 भरा जाएगा और यहाँ ये पूरे भरा जाएगा। सी नंबर में डिविडेंड दिया हुआ है 42, डिविजर 7 और इसलिए हो जाएगा 6 है ना, और डिविजन फैक्ट हो जाएगा 42 डिवाइड 7 इक्वल टू 6, ये पूरा यहाँ भरा जाएगा। सी के बाद डी, तो डी नंबर में 72 डिवाइड ऑफ 9 तो हो जाएगा 8 और दोस्तों इसका 72 डिवाइड ऑफ 9 इक्वल टू 8, ये डिविजन फैक्ट है ना, ये बॉक्स वाला नंबर आ जाएगा। अगला ई नंबर, 91 9 से डिवाइड करेंगे तो होगा 9 जा 81, 81 है दोस्तों, तो 81 डिवाइड ऑफ 9 इक्वल टू 9, ये डिविजन फैक्ट। ई के बाद एफ, डिविडेंड 45, 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 9, तो 45 डिवाइड ऑफ 5 इक्वल टू 9 है ना, ऐसा होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, बस इतना ही था दोस्तों। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन का कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे।